अध्याय 3। फरीसियों में से निकुदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों खर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इसराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है
वो ज्योति के निकट आता है कि उसके काम प्रकट हों, कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा, और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है वो उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी है कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है।